लाल खट्टर जीतने के बाद पानीपत पहुंच चुके हैं। शहरी विधायक प्रमोद विज के ऑफिस में उनका फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। आप ये लाइव तस्वीरें जो है देख सकते हैं। मनोहर लाल जीत चुके हैं, 2,11,000 का आंकड़ा जो है उन्होंने पार किया है। जीत का मार्जिन कम है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बीजेपी के नेताओं में पूरा जोश है और मनोहर लाल खट्टर करनाल लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मनोहर लाल खट्टर पानीपत पहुंचे हैं। विधायक प्रमोद विज के ऑफिस में मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं, जीत चुके हैं चुनाव करनाल लोकसभा का। तो प्रमोद विज जो है स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक प्रमोद विज जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट जो है स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। नव नियुक्त सांसद का स्वागत जो है किया जा रहा है प्रमोद विज के ऑफिस में। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और बातचीत करने की हम लोग कोशिश भी करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि 2,11,000 के मार्जिन से मनोहर लाल ये चुनाव जीते हैं और उनके कार्यकर्ता जो है स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो विधायक प्रमोद विज के ऑफिस में स्वागत जो है किया जा रहा है मनोहर लाल का। आप लाइव तस्वीरें, और उधर से मुख्यमंत्री सैनी जो है वो भी लगभग 43,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। ये तस्वीरें देखिए, विधायक प्रमोद विज के ऑफिस से आपको लाइव और सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे कि इस जीत को क्या नाम वो देते हैं। दिव्यांशु बुद्धि राजा, 31 साल के दिव्यांशु बुद्धि राजा से चुनाव जीते हैं। लगभग डबल उम्र से ज़्यादा के कैंडिडेट हैं मनोहर लाल, लेकिन ओवरऑल बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो हरियाणा में अच्छा नहीं रहा। लोकसभा का 2024 का चुनाव 2.5 महीने पहले इसकी घोषणा हुई थी। 7 चरणों में चुनाव था, संयोग से हमारा 6ठे चरण में था। 2.25 महीने तक जिस शिद्दत के साथ न धूप की परवाह थी न गर्मी की परवाह थी, और पूरे लोकसभा क्षेत्र में हर कार्यकर्ता अपनी जगह पर डट करके खड़ा रहा, और पूरा जो पहले दिन उत्साह था, 19 मई को घरोंडा में रैली की थी, उसका जो उत्साह था लगातार न केवल 25 मई तक बल्कि आज तक भी बना हुआ है। मैं इस काम के लिए आप सब लोगों का अपने दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ, आपकी सराहना करता हूँ। कितनी गर्मी के काम में दो, अगर घर का भी कोई काम करना हो ना तो आदमी को आलस आ जाता है, गर्मी है जी छोड़ो थोड़ा बाद में कर लेंगे शाम को कर लेंगे। तो इस प्रकार जब दौड़ना है, दुनिया के लोग गर्मी में अपनी छुट्टियां मनाने के लिए पहाड़ पर चले जाते हैं, उन छुट्टियों का बच्चों को भी अपने परिवार को भी सबको पसंद रखने के लिए पहुंचते हैं, और हमारा कार्यकर्ता किस प्रकार से धूप पर वैसी तपस्या करता रहा। मैं पीछे जब सभी 9 के 9 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने आया था, 2 दिन लगातार कार्यक्रम किए थे, तब भी मैंने बात कही थी। अब संयोग से उसके बाद में आज में अंतर इतना है कि आज चुनाव परिणाम घोषित हो चुका। उस दिन तो ये था कि सबके अपने अपने अनुमान थे, अंदाजे थे, मैं अपने बूथ में जीतूंगा, शक्ति केंद्र में जीतूंगा, मंडल में जीतूंगा, जिले में जीतूंगा। आज वो प्रत्यक्ष सामने आए हैं, और उसमें मैं पानीपत जिले के कार्यकर्ताओं को बधाई इसलिए देना चाहता हूं। लोकसभा का चुनाव 2024 का ये संपन्न हुआ, आज देश भर में उसकी काउंटिंग हो रही है। उस काउंटिंग में प्रायः सभी जो सीटें हैं उनके रुझान एक फाइनलिटी की ओर बढ़ रहे हैं, और जिसमें से ये बात तो तय हो गई कि एनडीए की सरकार देश में बनेगी। 300 के आसपास एनडीए की टैली चल रही है, और ये 272 से काफ़ी 10% उससे ऊपर है, लगभग 28 सीटें ऊपर हैं। और भी कुछ ऐसे लोग हैं जो एनडीए और यूपीए से बाहर हैं, मैं मानता हूँ वो भी सरकार को समर्थन करेंगे तो कम्फर्टेबली सरकार बनेगी। जहाँ तक हरियाणा का विषय है, हरियाणा में ये बात ठीक है, हमारा क्लेम ज़्यादा था, लेकिन फिर भी 11 में से
6 सीटें हमको मिली हैं, 5 कांग्रेस को मिली हैं, और उसमें जो जनता ने वर्डिक्ट दिया है मैं उसको स्वीकार करता हूं और धन्यवाद करता हूं, जनता का भी धन्यवाद करता हूं, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं। बहुत सी ऐसी संस्थाएँ जिनका सीधा सीधा राजनीति से संबंध नहीं होता, वो लोग भी समय समय पर इस प्रकार का जो सहयोग करते हैं उनका भी मैं आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। खास करके मीडिया के लोगों का, मीडिया ने बहुत समर्थन दिया, यानी चीज़ों को ठीक से हैंडल करने के लिए, जन जागरण करने के लिए, तो मैं मीडिया के लोगों का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। साल आपका गड़े, लेकिन पानीपत की जनता से आपको बहुत प्यार मिला है, बहुत ज़्यादा वोट पानीपत क्षेत्र से भी आपको मिले हैं। देखिए, हर एक विधानसभा का अपना अपना एक करेक्टर होता है, अपना विषय होता है। हम तो बराबर सब जगह सबके बराबर अपील की है, मेरे लिए करनाल भी वैसा ही है, पानीपत भी वैसा ही है। मैंने कभी किसी एक तरफ ना कभी झुकाव रखा है। 2014 में हरियाणा एक हरियाणवी एक जब ये नारा लगाया था तो 90 के 90 विधानसभाओं में मुख्यमंत्री होते हुए बराबर समता सम रूप से और विकास के काम हमने कराए। हमने तो यहाँ तक पहले चाहे सेशन हो चाहे दूसरा टर्म हो, दोनों टर्म में हमने सभी विधायकों को किसी भी पार्टी के हों 5-5 करोड़ रुपये आते ही शुरू में पहली घोषणा से और उनको विकास के काम करने के लिए दिए थे। आखिर तो हरियाणा की जनता के लिए काम हो रहा है, किसी पार्टी के लिए नहीं हो रहा है। जो जनता चुन के भेजती है, जिसको भी चुन के भेजती है, उससे अपेक्षा होती है तो कम से कम न्यूनतम अपेक्षाएं वो उनकी पूरी कर सकें, हमारा ये मतलब। हरियाणा में एक उम्मीद के मुताबिक करनाल लोकसभा में बैठेंगे, दिल्ली बैठेंगे या करनाल लोकसभा में बैठेंगे? देखिए आपको देखिए आपको सांसद का पता होता है कि सांसद को दिल्ली में भी समय लगाना होता है, क्योंकि मुख्य रूप से पार्लियामेंट का काम होता है उसके पास, तो पार्लियामेंट का सेशन लगभग 150 दिन चलता है, तो दिल्ली में भी बैठना होगा। और करनाल लोकसभा मेरा क्षेत्र है, तो क्षेत्र में भी सब जगह, चाहे रोहतक पानीपत हो, चाहे करनाल हो, चाहे अन्य विधानसभाएं हों, सभी विधानसभा में बराबर जाना रहेगा। हरियाणा में उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिली, तो क्या लगता है विधानसभा में और अधिक मेहनत करने की जरूरत? मैंने पहले बता दिया कि हमारी अपेक्षा अनुरूप नहीं मिली हैं, लेकिन हर चीज का ऐसे मौके पर एनालिसिस किया जाता है, हम उसका एनालिसिस करेंगे और उसमें कोई कमी हमारे में रह गई है या कोई जनता की जो इच्छा अपेक्षा वो पूरा नहीं कर सके हैं उसकी योजना बनाएंगे, और अगला विधानसभा चुनाव हम इस ढंग से लड़ेंगे कि पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बने, इस अपेक्षा से, और हम कार्यकर्ताओं की, बाकी जनता के सब जो डिमांड्स हैं, बाकी उनके सुझाव हैं, उनको हम स्वीकार करें। जिन्होंने भीतरघात किए उनके लिए तैयारियां कर रखी हैं, अभी उसका एनालिसिस करें। सर, पानीपत चारों तरफ टोल से घिरा हुआ है, क्या अभी वो सारी योजनाएं अब सामने आएंगी, तो जो बेस्ट पॉसिबल होगा उसको करें। मनोहर लाल अभी मीडिया से मुखातिब हुए हैं और जाहिर तौर पर उनका ये कहना है कि वो दिल्ली के साथ साथ करनाल लोकसभा सीट पे भी अपनी बैठेंगे और 9 के 9 विधानसभा में वो बैठेंगे। और जब उनसे ये पूछा गया कि 5 सीटें जो हैं बीजेपी पार्टी हारती हुई नजर आ रही है, तब उनका ये कहना था कि हमने जो है बिल्कुल सही तरीके से पूरे हरियाणा के लिए काम किया है, लेकिन ये जनता ने जो मत दिया है उनका शुक्रिया भी अदा उन्होंने किया है। तो बड़ी बात ये है कि आज पानीपत में वो पहुंचे थे और पानीपत विधानसभा में, शहरी विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोटों से मनोहर लाल की जीत हुई है। प्रमोद विज को उन्होंने शाबाशी दी और अगले विधानसभा चुनाव में तैयार रहने को कहा है। वैसे पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।